नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट जॉब अलर्ट के अंदर। दोस्तों, फायरमैन राजस्थान फायरमैन रिजल्ट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल गया है। क्या है वो अपडेट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा कट ऑफ के ऊपर भी बात करने वाला हूँ कि आखिर जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है और इसके बाद प्रोसेसिंग क्या रही, कट ऑफ के बाद जो मेडिकल और फिजिकल और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो फटाफट कट ऑफ लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ कट ऑफ का क्राइटेरिया देख रहे हैं, जनरल की कट ऑफ 65 से 65 नंबर जाने वाले हैं। इसके अलावा 58 से 62 नंबर OBC की कट ऑफ जाएगी। SC कट ऑफ देखें तो 55 से 59 नंबर के आसपास जाने वाली है। ST कैटेगरी की 50 से 54 नंबर और EWS की 61 से 64 नंबर के आसपास यहाँ कट ऑफ जाने वाली है। तो ये है कट ऑफ का क्राइटेरिया की जो कट ऑफ है, आइडिया लगाए जा रहे हैं, अनुमानित ये कट ऑफ मान सकते हो कि रिजल्ट आने के बाद जो अनुमानित कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया, यानी इसके बाद जो क्या प्रोसेसिंग करने वाली, मेडिकल होगा पहले या फिजिकल होगा। तो पोस्ट नेम यहाँ फायरमैन असिस्टेंट फायर ऑफिसर की थी। यहाँ 629 टोटल पद थे, यहाँ फायरमैन के 600 पद और 29 पद थे फायरमैन असिस्टेंट के, ठीक है। और जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है, फिजिकल रहेगा, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये तीन प्रोसेस अभी पेंडिंग है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पेंडिंग चीज़ है वो रिजल्ट। तो रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।